नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार किसी को उधार देकर या किसी को लोन देकर हम सिक्योर हो सकते हैं, किन पॉइंट्स को हम फॉलो करें कि हम सिक्योर हो जाएं। नंबर एक, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी, हमें क्या सिक्योरिटी है। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हम सिक्योरिटी क्या ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर हम उससे गोल्ड ले रहे हैं सिक्योरिटी के तौर में, या हम उसकी प्रॉपर्टी के पेपर ले रहे हैं, या हम उससे चेक अगर हम उससे गोल्ड ले रहे हैं तो भी हम सिक्योर हैं, अगर हम उससे प्रॉपर्टी के पेपर ले रहे हैं तो भी हम उसमें सिक्योर हैं, अगर हम उससे ब्लैंक चेक्स ले रहे हैं तो भी हम सिक्योर हैं। इन तीनों में से अगर हम सिक्योरिटी के रूप में अगर हम ध्यान दें तो इन चीज़ों को फॉलो करके कोई भी उधार दे सकता है और हम ये सिक्योर हैं कि समय पर और सही टाइम पर अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी कस्टमर नया लोन स्टार्ट कर रहा है और वह इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और वह सिक्योर नहीं है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई पुराना कस्टमर है जिसका हमें रेजिडेंस प्रूफ भी पता है, जिसको हम 5-6 सालों से जानते हैं, तो उसको हम बगैर सिक्योरिटी के भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि वो विश्वास का पात्र होता है। अगर इन तीन चीज़ों को हम सिक्योरिटी के तौर पर लेकर चलें तो कोई भी सिक्योर है, बड़े आसान से वो लोन का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।